जय हिंद सत जोहार नवोदय विद्यालय 2024। सत दो दिन पहले इसका रिजल्ट आया, बच्चे हो गए परेशान, लगातार कमेंट करके बोलने लगे कि भैया नवोदय विद्यालय में मैं फेल हो गया क्या, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ रहा है सॉरी यू आर नॉट कंसिडर्ड फॉर योर मेन लिस्ट, इस प्रकार से कुछ लिख कर आ रहा है। तो साथियों बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए, लगातार कमेंट करके बोलने लगे भैया हम फेल हो गए क्या, आपका आ रहा होगा तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और साथियों जानते हो मेरे भाई, ये जो आज की इस वीडियो में आपसे खुशखबरी देने वाला हूँ ना, इतना समझ चलो कि 100% रियल है। आपको थोड़ी सी मजाक लगेगी लेकिन 100% रियल है, और उसके रीजन बताऊंगा क्या है मामला। इस वीडियो में जितना हो सके शेयर कर देना, क्योंकि आप सभी फेल नहीं हो, दूसरा क्या जी आपका भी एडमिशन होगा। ये सब सही सुन रहे हो, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ। क्योंकि जानते हो मेरे भाई, ये तो अभी अलग ही चर्चा में चल गया है। आपका एग्जाम जैसे खत्म होता है उसके बाद रिजल्ट भी जारी हो गया था, नहीं पता है अब यूट्यूब पर जाकर सर्च करना नवोदय विद्यालय रिजल्ट, भाई कब से ही रिजल्ट जारी हुआ था। लेकिन असली जो रिजल्ट है, रियल रिजल्ट है, वो आपका दो दिन पहले रिजल्ट जारी हुआ है। लेकिन उस प्रकार से फेक वीडियो बनाने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन मेरे को आज तक कभी इस वीडियो में कोई ब्लैक क्लेम नहीं कर सकता है कि मैंने एक भी पॉइंट जो है गलत बताया या फिर कुछ बताया है। और चलिए ज़्यादा अपने बारे में भाषण नहीं मारूंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ पर चलते हो। और उससे पहले चीज़ और सावधान रहेगा, आप लोग वार्निंग के रूप में मैं आपको फिर से वार्निंग दे देता हूँ। अभी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं ना कि सेकेंड लिस्ट फिर से जारी कर दे रहे हैं, ऑफिशियली सेकेंड लिस्ट जारी कर दे रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल रूप से सेकेंड लिस्ट जारी नहीं हुआ है। अभी आप जाकर चेक करो सेकेंड लिस्ट आपका, बाप रे बाप कहाँ से, मैं सोहोश में नहीं हूँ यार, जानते हो मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ आप सभी को। थोड़ी सी मेरे पास बहुत सारे भाई लोग कमेंट किया सेकंड लिस्ट भी इसका आ गया क्या, मैं बता रहा हूँ आपको सेकंड लिस्ट का डेट वगैरह सब कुछ बता देता हूँ। चलो सबसे पहले मेरा अपना इंट्रोडक्शन सुन लो। मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ जोहार नवोदय विद्यालय से। अभी मैं नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ, तो जो भी अपडेट रहता है नवोदय विद्यालय रिलेटेड सबसे पहले और सबसे सही जानकारी देता हूँ। तो इतना समझ चलो कि कोई गलत नहीं बताऊंगा जो भी इस वीडियो में बताऊंगा। और ध्यान रखना, अभी जाके यूट्यूब पर जाकर सर्च करो नवोदय विद्यालय सेकंड रिजल्ट, बस इतना ही सर्च करो, आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों में वीडियो बन गया है यार। और सेकंड रिजल्ट जारी भी कर दिया, सेकंड लिस्ट 2024 फलना ढकना, असलियत में सेकंड लिस्ट नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट जारी करने वाले हजार गो लोग हैं, समझ में आ गया ना। तो उस सब चीज़ पर मत पढ़ना, अपना पर्सनल रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ मत शेयर करना, जबकि हमने पहले आपको इस वीडियो में समझाया भी था कि रिजल्ट आने से पहले कि अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ कहीं पर भी शेयर ना करें, लेकिन आप लोग मान कहाँ रहे थे। लेकिन अब उसके बाद आप लोग देखियो क्या हुआ। चलो ये सब ज़्यादा मामला में नहीं पड़ेंगे, मेन टॉपिक और चलते हैं। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे भाई, नवोदय विद्यालय के पल पल की अपडेट जानते हो, सेकंड लिस्ट में आपका नाम रहेगा कि नहीं रहेगा वो सबसे पहले जैसे इस पर फर्स्ट लिस्ट में नाम आया ना, लिंक पर जाकर अपना रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक करने के लिए, उस प्रकार से नहीं रहेगा, आपका सीधे नाम आएगा। और नाम जैसे आप सोच रहे हो सोशल प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर कहीं नाम नहीं रहेगा उसका, सबसे पहले जो भी अपडेट रहेगा ना सबसे पहले मैं लाऊंगा आप सभी के लिए, समझ में आएगा ना। क्योंकि पिछली बार से आज के आपको नहीं, आज से एक साल पहले आप जाकर देख सकते हो मेरा वीडियो को, कितने बच्चों को जो सेकंड लिस्ट में नाम नहीं पता था, मैंने पर्सनली वीडियो बनाकर मैं बताया कि कैसे भी करके उन सभी तक खबर पहुंच जाए कि सेकंड लिस्ट में उनका नाम आ जाए, और सेकंड लिस्ट में नाम है उनको पता चला और एडमिशन लेकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जो बच्चे सेकंड लिस्ट में नाम चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। और जानते हो मेरे भाई, पहले नंबर सुन लो, एक थोड़ी सी और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखो पहले नंबर आप लोग का जो लिखा हुआ रहा है सॉरी कंसीडर्ड योर नॉट अ मेल लिस्ट, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर फेल नहीं लिखा हुआ रहा है, यानी मेल लिस्ट जानते हो पहले नंबर 80 बच्चों का चयन होना है, लेकिन जानते हो कितना बच्चों का चयन हो रहा है इस बार, कहीं कहीं 75, कहीं कहीं पर 78 और कहीं कहीं पर 72, इस प्रकार से चयन हो रहा है, समझ में आएगा ना। 80 बच्चों का नाम जरूर है अगर सरकार द्वारा था। एक चीज़ आप सभी को बताता हूँ, जो गवर्नमेंट है ना, सरकार द्वारा ये नियम लागू हो गया है कि हर एक नवोदय विद्यालय में कम से कम 80 बच्चों का सिलेक्शन लेना ही लेना है, समझ में आ गया ना। तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ कैसे आपका एडमिशन होगा, पहले मेरी बात को सुन लेना और अपना लाइक कर दो यार, लाइक नहीं करते हो आप लोग, इग्नोर करके चले जाते हो, पहले सुन लो, क्योंकि आप लोग के लिए जो भी खबर आता है ना बहुत चीज़ जाँचने वचने के बाद ही मैं आप सभी को लाता हूँ बहुत सारा, जो क्योंकि मेरे को सच भी तो बोलना है, आप लोग मेरे पर बिलीव करते हो, भरोसा करते हो, सब कुछ सच्चाई बताना है यहाँ पर। अभी गवर्नमेंट क्या किया है कि वहाँ पर 80 बच्चों का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना ही लेना है किसी हाल में, अगर 79 बच्चों का भी नहीं लेना है, लेना है तो 80 बच्चों का किसी हाल में लेना है, समझ में आना। देखो पहले नंबर 75 बच्चों का नाम आया है, कहे कि 72 बच्चों का नाम आया है, तो 72 बच्चों का नाम आया है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, पहले सुन लेना उसके बाद आगे लो गलत लगेगा तो कमेंट करना। 72 बच्चों का नाम आया है, उसमें से 8 बच्चे हो गए, सीट खाली हो गया, 8 जो सीट है 8 सीट खाली हो गया वहाँ पर, और 72 बच्चे में से लगभग 12-13 बच्चे ऐसे होंगे इस बार पहली बार भी नवोदय के इतिहास में होने जाएगा जहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बहुत जगहों पर क्या कारण है वो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर सोशल प्लेटफॉर्म पर अपना सब कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे ऐसे देखने को मिला है जहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे, एडमिशन का रद्द कर दिया जा रहा है, तो इस प्रकार के भी देखने को मिल रहा है। तो मैं हालांकि इस प्रकार से अपने ऐसे अंदर से नहीं कह चाहता हूँ कि उनका एडमिशन रद्द किया जाए, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया था, लेकिन इस प्रकार का हो रहा है इस बार असलियत में बताने वाला हूँ, इसके बाद बताऊँगा जो नेक्स्ट वीडियो में क्यों ऐसा हो रहा है। जितना समझो कि आपके 10-12 सीट उधर हो गए, 8-10 सीट इधर हो गए, मिला जुला के 20-22 सीट में आपका होगा सेकेंड लिस्ट में नाम आने वाला है,
समझ में आएगा ना, 20 सीट कम नहीं होती है, जबकि 80 बच्चों का रिजल्ट आया उसमें से 20 बच्चों का और हो जाएगा तो कितनी मेरे लिए खुशी की बात है। आपका जो आप लोग रो रहे हो ना, बहुत सारे कमेंट कर रहे हो कि मेरा उदास हो गया भाई, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं क्या करूँ, बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए। टेंशन ना लो, आपका सिलेक्शन 100% गारंटी होगा, लेकिन वहाँ पर 1, 2, 3 नंबर के लिए आप फेल हो रहे हो तो 100% गारंटी होगा, लेकिन अगर आप चले जाओगे 7, 8 और 10 नंबर के लिए अंतर में, अगर आपका अंतर पड़ेगा तो मैं नहीं कह सकता कि आपका सेकेंड लिस्ट में भी हो सकता है, लेकिन इतना 100% गारंटी है मैं लिख कर दे रहा हूँ कि अगर सेकेंड लिस्ट में जिसका बच्चे का नाम आएगा उस दिन आपका सकल में खिल उठेंगे। सेकेंड लिस्ट देखिए, पहले नंबर की आपका फर्स्ट लिस्ट में जो बच्चों का नाम आया है अभी एक हफ्ता बाद उन लोगों का बुलाया जाएगा, अभी थोड़ी समय लगेगा, एक वीक के बाद उन सभी को नवोदय विद्यालय बुलाया जाएगा। उसके बाद उन लोगों का कागज पत्र बनेगा, डॉक्यूमेंट्स तैयार होगा, क्योंकि जानते हो बहुत सारा ऐसा कागज पत्र जो डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं कर पाते हैं उनका भी एडमिशन रद्द किया जाता है, वहाँ पे खाली हो जाता है और वही सीट आपको फुलफिल करने के लिए सेकेंड लिस्ट वालों को मेंशन किया जाता है, बुलाया जाता है। समझ में आएगा ना, तो इतना समझ चलो कि आपका सेकेंड लिस्ट पे 100% गारंटी नाम रहेगा और वही अभी एडमिशन प्रक्रिया अभी अप्रैल तक चलते ही रहेंगे, अप्रैल के लास्ट तक, और अप्रैल तक लास्ट तक जो बच्चे एडमिशन चाहेंगे करवाना रहेंगे वो करवा सकते हैं, जिनका मतलब रिजल्ट हो गया है, ऐसा नहीं कि जिसका रिजल्ट नहीं हुआ वो एडमिशन करा पाएंगे, वो एडमिशन नहीं करा पाएंगे, जिसका रिजल्ट हुआ है उन लोगों का एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे चीज़ों कागज पत्र बहुत हार्ड हार्ड चीज़ लगते हैं भाई, एफिडेविट वगैरह सब कुछ बनवाना पड़ता है कोर्ट में जाकर वहाँ पर कचहरी में, तो इस प्रकार के देखने को मामला मिलता है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, उनका एडमिशन हो जाता है तो अच्छी बात है, और ऐसे देखने को मिलता है कि जैसे मेरे समय भी आज से 7-8 साल पहले भी हमने जब 2017 में नवोदय विद्यालय में प्रवेश किया था उस समय भी 6-7 बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ था, 7 से 8 बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ था, तो इस प्रकार का देखने को मिलता है। उसके बाद से 12 बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ था, तो कुछ इस प्रकार को भी देखने को मिलता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह से भी रद्द कर दिया जाता है, या फिर बहुत सारा कुछ भी कारण होते हैं, बहुत सारे एडमिशन भी नहीं लेना चाहते हैं, तो इस प्रकार को भी देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट के बारे में पता नहीं होता कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इस प्रकार को भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा अगर होता है, मैं तो ऐसा नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा देखने के लिए, और इतना समझते चलो मेरे भाई सेकेंड लिस्ट में 100% नाम रहेगा। मान लीजिए किसी बच्चे का 89 पर सिलेक्शन हुआ है तो उसका 88 और 87 वाला जिसका नंबर रहेगा उसका 100% गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा सेकेंड लिस्ट में। तो ऐसा नहीं, आप लोग सेकेंड लिस्ट के इंतजार मत कीजिए, अपना एडमिशन लेके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी नया सेशन स्टार्ट होने वाला है न्यू सेशन के लिए, क्लासेस के लिए, तो अपना न्यू सेशन स्टार्ट कर लीजिए, ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। समझ में आ रहा है, कोई भी अपडेट रहेगा तो आपका भाई आपके लिए सबसे पहले है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और एक बार मैं बताना चाहता हूँ, आपका जो सेकेंड रिजल्ट है, सेकेंड लिस्ट है, आपको अभी फिलहाल जो आपकी स्थिति चल रही है कि रोज रिजल्ट जारी हो जा रहे हैं, हकीकत में रिजल्ट अभी सेकेंड लिस्ट नहीं आएंगे, सेकेंड लिस्ट जो है साथ वो 2 महीने कम से कम लेंगे सेकेंड लिस्ट को आने के लिए। आपका बताता हूँ, अप्रैल हो गया, मई जून में, जून के फर्स्ट वीक में आपका सेकेंड लिस्ट आएगा, उससे पहले सेकेंड लिस्ट आने वाला नहीं है। कोई स्पेसिफिक इसका डेट किसी को नहीं पता है, न मेरे को पता है, न ऑफिशियल साइट को पता है, न किसी भी नवोदय विद्यालय के किसी टीचर को पता है, किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना 100% गारंटी मैं देता हूँ सेकेंड लिस्ट में भी बच्चे पास होते हैं, और आपको मैं मिलाऊंगा उस बच्चों से जिसका सेकेंड लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है नवोदय विद्यालय में जाकर, आप लोग कमेंट करना जरूर इसके लिए। और आई होप आप लोग समझ गए होंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, सेकेंड लिस्ट में आपका सिलेक्शन 100% गारंटी होगा और एडमिशन भी आप सभी का सफल बनेगा। और ये वीडियो एंड करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।